20 तारीख का वाकया जो तारीख के अंदर और सीरत की बुक्स के अंदर मौजूद है, मुख्तसर शार काटे हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने रमजान शरीफ की 20 तारीख से पीर का दिन से आपने मक्का शरीफ पे चढ़ाई फरमाई, काफरां दे जुल्म और ज्यादती नु देख के अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु फतह दे नाल अमकिना फरमाया। उस दिन 20वां रोजा सी, पीर का दिन सी, आज 20वां रोजा है, जुमातुल मुबारक का दिन है। पीर का दिन भी मुतबर्रक है क्योंकि पीर वाले दिन जनाबे साथे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया के जलवागर हुए, आप दुनिया के तशरीफ ले आए, आपकी पलैश हुई, आप पैदा हुए, इसलिए पीर का दिन भी बड़ा मुतबर्रक है। और एक पीर का दिन वो दिन है कि जनाबे साथे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने पीर वाले दिन का रोजा रखा। सहाबा इकराम ने अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी पीर वाले दिन का रोजा रखते हो? सरकार ने इरशाद फरमाया कि इस दिन मैं पैदा होया। सुभान अल्लाह। तो पीर का दिन भी मुतबर्रक है इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत पे वसादत हुई है। और ऐसे दिन ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फतह मक्का शरीफ फरमाया। कुरैश थे ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हुदैबिया के मुकाम से सुलहनामा मुरतब फरमाया। उस या कुछ शराय सर उन शर्तों के बीचों एक शर्त यह भी सी कि मुसलमान इस दफा बगैर उमरा कीतियां वापस चले जाए। ते आइंदा साल फिर उमरा करने के जो सी इजाजत देवांगे या जो सुलहनामा उसके मुताबिक सुलहनामा तहरीर हो रहा सी। के दो आदमी जेड़े मुसलमान हो चुके सन और काफरां दी कैद विच सन, ओ काफरां दी कैद चो छुटकारा पा के फरार हो गए, हुदैबिया दे मुकाम ते पहुंच गए। अजे सुलहनामा तहरीर मुकम्मल नहीं होया, तहरीर की शक्ल दिती जा रही सी। काफरा ने जिस वक्त देखा कि ऐसे साडे कैदी ने मुसलमान हो गए सन, ये कैद जो फरार किए हो गए, उन काफरा ने कुरैश मक्का ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दरख्वास्त की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह के आया हो, या रसूल अल्लाह के बंदे नहीं सन, जो साडे में कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो या रसूल अल्लाह ही कहते, अल्लाह पाक उन्हें को भी अदा फरमाए। वैसे मदीने शरीफ जाके सारे या रसूल अल्लाह कहते, मदीने शरीफ जाके सारे ही या रसूल अल्लाह कहते, भावे कुछ सुननी। मैं वैसे जो साडे कहते ने मसलक मौजूद ने उन्होंने हमने किसी से कीचड़ नहीं जा रहे हैं, आले सुन्नत व जमात बरेलवी है वो भी उठे या रसूल अल्लाह कहता है, आले सुन्नत व जमात जो बंदी मसलक का बंदा है वो भी उठे या रसूल अल्लाह कहता है, आले हदीस मक्का फिक्र के लोग जड़े ने जिनों से वाकई कह देते हैं ये जाया जड़े अपने आप को वाकई करवाते ने वो भी उठे या रसूल अल्लाह कहते हैं। और अहले हदीस
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جب وہ حاضری دے رہے ہیں مدینہ شریف مسجد نبوی شریف وچ تے وہ بھی اٹھے یا رسول اللہ کہہ دے نے نہ خود اپنی کناں نال رکھے نہ خود اپنے کناں نال سنے ہر وقت پہ فکر دا بندا نہ صرف ہر وقت پہ فکر دا بندا پر بلکہ ہر ملک دا بندا ہر ملک دا بندا پاڑے او کی زبان انگریزی ہے پاوے او کی زبان عربی ہے پاوے او اردو دا ہے پاوے او پنجابی دا ہے جس زبان دا بھی ہے او چائنا دی زبان ہے گفتگو کر رہے ہیں سرکار دی بارگاہ وچ کو بھی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ سبحان اللہ اگر او کسی زبان وچ گفتگو کر رہے ہیں او بھی سرکار دی بارگاہ وچ ہی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ الفاظ کی نے الفاظ ہے مسئلہ شریعے میں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ وچ اسی حاضری دے دی مسلمان کو اللہ توفیق عطا فرمائے کہ سرکار کی بارگاہ وچ مسجد نبوی شریف وچ حاضر ہو جائے تے وہ سرکار کی بارگاہ وچ اینا لفظاں نال سلام و سلام عرض کرے السلام و السلام علیک یا رسول اللہ سبحان اللہ اور اسے ساری کہتے ہیں ایسے آئے پتہ نہیں ساڈے وچوں کچھ بندے ایسے جنہوں کچھ ہو جاتا ہے میں لفظ نہیں بولتا اوتھے جا کے ساری ایک زبان کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کہنا تو چلو تھمدا ہے گل بن کی چلو پھر ہی ہوتے صحیح لیکن اگلے الفاظ جڑے نے وہ یہ ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے کے جب بارگاہ ابو بکر صدیق میں حاضر ہوتا ہے بارگاہ ابو بکر صدیق میں حاضر ہوتا ہے تے وہ کیا کہتا ہے السلام علیکم یا ابو بکر صدیق السلام علیکم یا ابا بکر الصدیق پھر یہ نہ کہ بارگاہ اگے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی بارگاہ وچ جدوں حاضر ہوندا ہے تے اپنے لفظاں نال یہ کہندا ہے السلام علیکم یا عمر بن خطاب السلام علیکم یا عمر بن خطاب سرکار دی بارگاہ وچ جدوں السلام السلام علیکم یا ابا بکر صدیق السلام علیکم یا عمر بن خطاب یہ الفاظ کیوں اوتھے ساری پہ بندے اوتھے ساری سرکار دی بارگاہ وچ سلام میرا لفظ نال حضرت ابو بکر صدیق دی بارگاہ وچ سلام میرا لفظ نال اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ وچ سلام انہاں لفظ نال تے جیڑا بندہ انہاں دی بارگاہ وچ سلام ورتی کردا او پھر سمجھ لے کہ او دائرہ اسلام وچ نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ اگر یہ لفظ نہ سلام عرض کرتا السلام علیکم یا ابو بکر صدیق اور السلام علیکم یا عمر بن الخطاب اگر کوئی بندہ اسلام کو نہ کی خدمت عرض نہیں کرتا پھر وہ سمجھ رہے کہ وہ مسلمانوں کے دائرے وچ نہیں کیونکہ دو بزرگ ہستیاں وہ ہستیاں نے جنہاں نے متعلق سرکار نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے زمین تے دو وزیر نے میرے آسمان تے بھی دو وزیر نے اور اے بھی میرے زمین تے بھی دو وزیر نے جڑے زمین تے میرے دو وزیر نے ایک ابو بکر صدیق کے دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسرا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ جڑا انہاں دی بارگاہ اوتھے جا کے بھی سلام عرض نہیں کرتا تے پھر وہ سمجھ لے کہ وہ اسلام دے دائرے وچ نہیں تے اے وی جیڑا بندا انہاں دی خدمت وچ اوتھے جا کے بھی السلام علیکم یا ابا بکر الصدیق نہیں کہندا یا السلام علیکم یا عمر بن الخطاب نہیں کہندا تے وہ بھی دائرہ اسلام وچ اوتھے جا کے سارے انہاں لفظاں نال سرکار دی بارگاہ وچ سلام عرض کر رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ وچ بھی سلام عرض کر رہے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ وچ بھی سلام عرض کر رہے ہیں میں بھی کیتا ہوں تے سلام عرض کیتا ہے سرکار دی بارگاہ وچ بھی سلام عرض کرن دا ایک دفعہ ہی بار بار موقع ملیا ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی خدمت وچ بھی
सलाम अर्ज करने का एक बार नहीं बार बार सलाम अर्ज करने का मौका मिले है और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इन्होंने खिदमत में बाबरकत के अंदर भी सलात व सलाम बार बार अर्ज करने का मौका मिल चुका है। अच्छा मैं एक शरीफ मसला एक दस देवा कल किसी मौलू जो दसिया मुताबिक गल चल निकली किसी रुखा से शरी मसला है कि जो सरकार की बारगाह च हाजिर होना है मस्जिद नबी शरीफ च ते बाबू सलाम की बजाय बाबुल वकी वाले पास्यों सरकार की बारगाह च हाजिरी देगी जो सरकार के मुआजे शरीफ के सामने बंदे ने जाना है वो बाबू सलाम की बजाय बाबुल वकी वाले पासे सरकार ने पाओ मुबारक वाले पासे अंदर दाखिल होना सरकार ने सर मुबारक वाले पासे अंदर दाखिल ना हो बल्कि सरकार ने पाओ मुबारक वाले पासे अंदर दाखिल हो सरकार ने पाओ मुबारक वो मशरक वाली सब में बाबुल वकी वाले पासे सरकार का सर मुबारक वो मगरब वाले पासे बाबू सलाम वाले पास है लेकिन उतों की हुकूमत अल्लाह पाक को तौफीक और तौफीक दे रहे वो बाबू सलाम वाले पास कर दे रहे सारे भावे किसे मुल्क का जो कोई भी आ रहे हैं बाबू सलाम में जाओ ते बाबू लोकी वाले पास निकल दे जाओ। शरी मसला जड़ा है वो ये है कि बाबू लोकी वाले पास बंदा दाखिल होवे सरकार की बारगाह च हाजिरी लई ते बाबू सलाम वाले पास निकल दे जाओ लेकिन वो थे उल्ट काम चल रहा है। और आगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह हाजरी देने का एक तरीका अर्ज कर रहे थे गल इतों शुरू हुई थी कि काफरा ने या रसूल अल्लाह नहीं सी क्या उस वक्त अल्लाह रसूल के मरने ही सन या कहना ते अलैहि का कहना ते वाह दी गल है वो ते अल्लाह का रसूल ही नहीं सी मरते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और काफरा दे दरमियान वादा तय पा रहा सी वादा जो लिखा जा रहा सी काफरा दी कैद चो मुसलमान आजाद होके अपने आप को आजाद करवा के जंजीरा तोड़वा के जो रस्सिया रकम या सी रस्से तोड़वा के अपने आप को आजाद करवा के जो उदैरिया के मकाम पे पहुंचया काफर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह किया या मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ऐ बंदा जेड़ा आया है इन वापस साढ़े नाम पे अजय वो तहरीर मुकम्मल नहीं सी हुई तहरीर सुला नामा हो जाएगी या कोई मुकम्मल तहरीर इस कुछ ही आया जुबानी कलाम में कुछ तो सी तहरीर हो रही थी कि इस दौरान आया मुसलमान काफर दी कैद जो मक्यों फरार होके मक्यों फरार होके जितने उदयबिया ने मुकाम पे सुला नामा तहरीर हो रहा थी उस जगह पे पहुंचा काफर ने उस कैदी को देख के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये किया है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह ऐ बंदा जेड़ा है साडा कैदी है ज्यादा इस साडे नाम पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मौके की नजाकत को देख के फैसला ये साबित करवाया कि होने बंदा काफरा के नाम वापस आए मुसलमान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फैसले से वो नाखुश नजर आए कि अजय तहरीर नहीं हुई अजय जुबानी कलामी गुफ्तगू हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहले ही इस बंदे को रजामंद हो गए वापस काफरों के नाम भेजे थे लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वला दी आता दे नाल
सारा कुछ पहले ही देख रहे सन, सब कुछ पहले ही देख रहे सन, जो अजे लोगों को नजर नहीं से आ रहे। यह बंदा यह मुसलमान जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तू काफिरों के नाल वापस जाएगा, कुरैश मक्का वाले के नाल वापस जाएगा, क्योंकि असी सुलहनामा वायदे वायदा खड़ा हो गया, वो जो तहरीर नहीं होया, लेकिन उस वायदे के मुताबिक इनू असी अपने नाल मदीना पाक नहीं ले जा सकते, तू वापस जाएगा कुरैश मक्का के नाल। सरकार ये देख रहे सन उस वक्त कि बंदा कुरैश मक्का नाल वापस गया, रस्ते में सी इन्हें अपने आप को आजाद करवाया काफरां दे चुंगल तों, काफरां दे चुंगल चों आजाद करवा के दौड़ गए, दौड़ के इन्हें अपनी जान बचा ली उस वक्त काफरां दे कोल। एक जगह बैठ गया, डेरा लगा लिया, जेड़ा काफरा दा तो काफरा को 5-7-10 बंदे दे मुश्तमिल उत्थे आवे उन्हें लुट लवे, उन्होंने पैसा पे कब्जा कर लवे, उन्होंने मालूम दौलत जो जात लगे खान पीन का समान लवे वो ले लवे, जो कुछ मिलता सी वो कब्जा कर लवे करेगा। काफर तंग पै गए, काफर तंग पै गए, खुद ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च हाजिर हुए, आगे अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलहनामा में जड़ी ए शर्त सी ना, ये असी शर्त वापस लेने, असी शर्त वापस लेने, जेड़े बंदे तुहाडे 2-4-5-10 जिन्ने भी साडे काफले रुकने पे ने उन्हां तुसी अपने कोल मदीने बुला लो, वो सानू बहुत ज्यादा तंग कर रहे पे। सरकार इस चीज को देख रही कि खुद ब खुद ही ये कल मेरी बारगाह च हाजिर होंगे और खुद मिन्नत करके समाजत करके मेरे तले लैके मेनू कहणगे कि ऐ शर्त जिहड़ी है असीं वापस लैंदे आ, तुसीं अपने बंदियां नूं खुद ही बुला लो अपने कोल। इस चीज नूं सरकार देख रही है। बाहर आ सुलहनामा हो गया, तहरीर हो गई, उनकी एक शर्त सी कि मुसलमान के जेडे हलीफ खानदान कबीले हैं और कुरैश मक्का के नाल जेडे कबीले खानदान अटैच ने हलीफ ने इन्होंने जेडे उन्होंने हिफाजत कुरैश मक्का के लाजम जरूरी है और मुसलमाना के नाल जेडे हलीफ खानदान ने उन्होंने निगरानी हिफाजत करा मुसलमाना के जरूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना हलीफ अपना दोस्त बनाया मुसलमाना नो और इन्होंने अपना हलीफ अपना दोस्त बनाया काफरा कुरैश मक्का नो। दो कबीले सन मक्के दे इर्दा गिर्द, एक सी बनू खुजा एक सी बनू बकर, इन्हां दोनों कबीलों की पहले लड़ाई रहती सी हर वक्त। जो मुसलमाना ने यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ते कुरैश मक्का ने भावी ये वायदा किया, ये वायदा कर लेने तो बाद ये दोनों खानदान की भावी लड़ाई तो पार आ गए, रुक गए, इन्होंने दरमियान भी सुलह हो गई, जिन्हें मुसलमाना के दरमियान और कुरैश मक्का के दरमियान नबी अकरम के दरमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान या कुरैश मक्का के दरमियान सुलह हो गई कि ऐसे साल तक के बाहमी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, इन्हें ने जिहड़े हरीफ सन उन्हों के दरमियान भी सुलह सही हो गई, ज्यादा बनो खुदा बनो बगर ये भी लड़ाई झगड़े तो भाग आ गए, अमन सुकून हो गया आकर और अमन सुकून ही अल्लाह और उसका रसूल प्यारा रसूल चाहते सन। वक्ती तौर पर अमन सुकून हो जाए बाद जो हालात बन गए फिर देखा गया हालात अमरों सुकून हो गया,
लेकिन काफिर अंदर खाते जर्नलिज्म अंदर खाते इन्हां दे दिलां च नफरत इन्हां दे ज़हनां च मुसलमानां दे खिलाफ दुश्मनी अलावत मौजूद थी। बनू बकर और कुरैश मक्का दे दरमियान यह तय पाया कि तुसी बनू कुज़ा कबीले ते यलगार शुरू कर दे ज्यादा बनू कुज़ा ते बनू बकर ने यलगार शुरू कर दी। बनू कुज़ा अपनी जान बचाने वास्ते अपने कबीले तो दौड़े मक्के में लाए रब दे घर विच आ गए। रब दे घर विच आ के बैतुल्ला शरीफ दा गिलाफ थाम लिया। लेकिन बनू बकर और कुरैश मक्का जिहड़े निकाब पहन के इन्हां नूं कतल कर रहे सन बनू कुज़ा नूं इत्थे भी पास ना आए। बैतुल्ला शरीफ की पनाह लैण दे बावजूद फिर भी उन्होंने इन्हां नूं माफी ना दित्ती कतलो गारत खूब कीती। बनू कुज़ा दा एक बंदा वो अपने आप को बचा के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गया मदीने जी। सारा वाकया डिटेल सारी सुनाई कि असी साडे इन्ने बंदे मारे गए इन्ने जख्मी हो गए रात की तारीकी के असर उन्होंने साढ़े पर हमला कर दिया वगैरह वगैरह सारा वाकया सुनाया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने गल उन्हें सुन के तेरे इरशाद फरमाया कि मैं तेरी मदद करांगा क्योंकि तू साडा हलीफ है। मेरे ते वाजिब हो गया है जरूरी हो गया है कि मैं तेरी हेल्प करा। अजे गलबात चल रही थी कि बनू कुज़ा दे होर भी काफी सारे लोग वफद की शक्ल बन के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार में शामिल हो गए। अपनी कहानी जो लड़ाई झगड़ा होया जो कतलो गारत हुई काफर ने कुरैश मक्का ने जो इन्होंने जुल्म सितम किया वो सारी दास्तान सुनाई सरकार की बार में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि तुम परेशान ना हो मैं इंशाअल्लाह तुम्हारी हर लिहाज से हेल्प करूंगा मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इन्हां नूं तोड़ दिता लेकिन फरमाया कि तुसीं इकट्ठे ना जाओ मुतफर्रिक होके जाओ मुख्तलिफ रास्तों के जरिए तुसीं वापस जाओ। मुसलमानों नूं आगाह कर दिता कि मैं देख रहा हां कि अबू सुफियान इह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा सौरा सी सरकार दा सुसर सी। अबू सुफियान की बेटी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सौजा मुहतरमा सन सरकार का निकाह ऐसे ना सरकार ने इन्हां दा नाम लिया अपने सुसर का नाम लिया। फरमाया कि मैं देख रहा हां कि मेरा सुसर अबू सुफियान वो आ रहा है और वो कोशिश करेगा कि साढ़े नाल सुलह सफाई की कोई गलबात हो जाए। साढ़े वालों खतरा महसूस कर रहे हैं कि मुसलमानों को जो तो पता चलिया मुहम्मद बिन अब्दुल्ला जो तो पता चलिया तो उन्होंने साड़ी हेठ ना हेठ भजा देनी लिहाजा वो कोशिश करेगा आके सिफारिश करान की कोशिश करेगा आके तो सुलह सफाई हो जाए। ऐ मुसलमानों तुसी जरा आगाह रहना बाखबर रहना। अबू सुफियान इस वक्त मदीने से पहुंचा पहले आया वो अपनी बेटी के घर सरकार की जोजा मोहतरमा के घर मिलिया मिल के जो चार पाई से बैठ गया चार पाई वो सी जी चार पाई मिस्र बिछा बिछे होया जनाबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चार पाई के आप तशरीफ फरमा देते घर चार हुजूर की सौजा मोहतरमा उन्होंने अपने वालद को क्या क्या अब्बा जी एक मिनट जरा चार पाई उठना चार पाई तो जरा उठना। अब उस सुफियान सरकार की चार पाई उठ बैठा उन्होंने चार पाई से जरा बिस्तर लगिया हुआ सी सरकार का उन्होंने तय किया एक सैट रख दिया सैट रख के हूँ उन्होंने अर्ज की
की अपने वालद साहब ने फिल्म देख कि ऐ मेरे अब्बा जी तुम चार भाई ने बैठे। अब उस सुफियान हरार के नाम बंदा है कि बेटा वालदैन अपनी बेटिया को धीं को खेल वास्ते जो आते हैं ना दूर सफर करके तो बेटिया अपने वालदैन देख के तो उन्होंने खुशी कीजनी होती है वो हार वो अच्छी तो अच्छी चीज अपने वालदैन थले बिछाते हैं जो तो पिछी हुई चार पाई चादर जो भी दस्तर बिस्तर बिछिया चुप के नंगी चार पाई मेरे बैठने वास्ते पेश कर रही आप फरमाया ने कि ये बिस्तर मुबारक होए कि जिसे मेरे बाबू बाका जनाबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ रखते हैं ये बिस्तर है पाक मेरे बाबू बाका वो भी पाक ने ये बिस्तर पाक है ते पाक लोगों वास्ते आ ते पाक बिस्तर ने प्रीत लोगों वास्ते नहीं पेश कर सकते ऐ अब्बा जी तुसी ठीक है मेरे वालद हो मैं तुहानू अपनी वालद का दर्जा देनी आ तुसी हकीकी मेरे वालद हो लेकिन मैं एक गवारा नहीं कर सकती कि पाक बिस्तरे उत्ते प्रीत बंदा बैठा मैं गवारा नहीं कर सकती तां तुहानू कहा है कि तुसी जरा उठो मैं बिस्तर पाक है अलग कर लवा चार पाई लची के तुसी बैठो। अबू सुफियान ने जिस वक्त देखा कि मेरा तो इस्तकबाल मेरी बेटी किस तरह कर रही है उन मायूसी का सामना करना पड़ा मायूस होया लगता है बाकी मुसलमान भी मेरे नाल इस तरह ही रवैया अपना रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह में हाजिर होया उतो भी उन्हें खैर ना मिलिया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मिलने से हाजिर होया सुना सवाई ने हवाले नाल गल की लेकिन उथे भी कोई खैर हो लेकिन किसी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल गलबात की लेकिन सरकार ने भी पहलू कही वाला मुजाहरा किया इनकार भी ना किया लेकिन ये अंदाज अपनाया कि वो महसूस भी ना करे लेकिन उन्होंने सही जवाब भी न दिया मायूस हो गया वापस लौट गया। वापस जिस वक्त लौट गया कि आपने बेलिया को कुरैश मक्का को कहता है कि काम बड़ा खराब है मुसलमानों ने सानू माफ को नहीं करना जेडी असी उन्होंने कबीले हलीफ कबीले नाल बनी खुजा के नाल जो असी चपकल जो जंग की उन्होंने बंद कतल किया जख्मी किया है मुसलमान सानू माफ नहीं करेंगे और लाजिमन इसका बदला साढ़े को लिहाजा तुझे अपनी फिक्र रखो यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मुसलमानों को तैयारी का हुक्म दे दिया तैयारी करते करते आठ रमजान शरीफ को सरकार मदीने उतरते हैं 10,000 का लश्कर जिस वक्त मदीने उतरने थोड़े बंदे थे रस्ते में मुसलमान मुजाहिदीन आहिस्ता आहिस्ता मिलते चले गए 10,000 का लश्कर जनाब तैयार होके मक्के वाल जा रहे हैं या एक रवायत के मुताबिक 12,000 का लश्कर जनाब मक्के पे चढ़ाई करने वास्ते कुरैश के मक्का ने चढ़ाई मक्के के करीब इन्हें ले जाके पड़ाओ कर देता रात की तारीकी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि तुसी मशाला जलाओ जिन मशाल बदार जुलूस निकलता है साढ़े शहर 12 रबी उल अव्वल वाले दिन कि अग लगी हुई है थोड़े ही जगह ले वो बच्चे जवान उसको मशर बना मशर बना के जगह बना रहे गलियां से सरकार ने साफ फरमाया कि तुसी इस तरह थोड़ी थोड़ी अग जलाओ मुजाहिदीन ने हुक्म की ताबीर की थी उन्होंने मक्के के करीब अग जलाई मुख्तलिफ जगह पे कुछ तो बहुत ही सारी अग उत्थे भी जाके जलती भी उत्थे भी उत्थे भी उत्थे भी उत्थे भी जाके इत्तफाक ऐसा होया कि उस ही रात अबू सुफियान अपने घरों निकलिया बाहर के हालात का जायजा लैन वास्ते कि मैं बाहर
ਫਲਾਣੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਤਮ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾਇਬ ਸਿਹਾਬੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪਨੇ ਮੱਕਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਨ ਮੱਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਖਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਨਾਮੀ ਔਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਖੱਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੁਰੈਸ਼ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਭ ਪੁੱਟਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਬ ਮੇਰੇ ਤਾਲਕਦਾਰ ਮੱਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫਰ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੀਅਤ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਖੱਤੇ 'ਚ। ਔਰਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਤਮ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਦਾ ਖੱਤ ਲੈ ਕੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਫ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਦ ਸਿਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਰਤ ਜ਼ੁਬੈਰ ਔਰ ਦੀਗਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਫਲਾਂ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਖੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਮੇਰੀ ਸਵਾਰੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਵਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਰ ਕੋਈ ਖੱਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਸੂਸ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਸਿਹਾਬੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਸਭ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰੈਸ਼ ਮੱਕਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਖੱਤ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਤਮ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖੱਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਤਮ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਿਲੋਂ ਵਜਾਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤਹਿਰੀਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਾ ਅਕਾਰ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਥ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਾ ਅਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਾ ਅਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਰੱਖਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬਚ ਲਿਖਿਆ। ਨਬੀ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਆਪ ਨੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਤਮ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਾਤਮ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਤਮ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਤਮ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਲਤਾ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਕ ਹੋ ਗਿਆ
मैं इस मुनाफ की गर्दन उड़ा के अपनी करवा देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, ऐ उमर क्या तेनों अल्लाह का कोई इरशाद याद नहीं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वला ने इन वास्ते इरशाद फरमाया सी बदर के मुकाम पे, जो बदर पे गज़वा बदर होया है उस बदर के मुकाम पे सरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला वला का इरशाद सी तमाम बदरी सहाबाए इकराम के मुताल्लिक कि ऐ बदरी सहाबाए इकराम आज तो बाद तुसी जो कुछ भी करोगे तोड़े किसे बुरे अमल से तोड़ी पकड़ दगड़ नहीं होगी। और अल्लाह ने ये भी इरशाद फरमाया सी قد غفرت لكم میں تو انصار و جواب کر دیتا جب اللہ پاک انہاں نو پہلے تو ہی معاف کر چکی ہے تے پھر اسی انہاں نال انہاں دی گردن مار دے حق دار نے اللہ پاک نے انہاں دی ساری غلطیاں پہلے معاف کر دتی ہیں لہذا میں بھی معاف کیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فاتحہ انداز مکہ شہر داخل ہوئے اور مکے والے نو ہمت نہ ہوئی جرات نہ ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا مقابلہ کر جویں جنگ ہوندیاں نے جویں لڑائیاں ہوندیاں نے اوویں انہاں نے جرات نہ ہوئی کتوں کا واقعہ ہوئے ایک دو جگہ تے لیکن انہاں دے قابو پا لیا گیا فاتحانہ انداز سرکار مکے دے اندر داخل ہوئے اور سارے مکہ نے قریش مکہ نے دیکھیا مسلماناں نو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی کہ اسی تے یہ سمجھنے سی کہ مسلمان مدینے جا کے کمزور ہو گئے لیکن اج اسی دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان کمزور نہیں ہوئے بلکہ ساڑھے نال وی زیادہ طاقتور ہو گئے۔ بہرحال مختصرا گزارش ہے جو کچھ عرض کیتا اللہ رب العزت جل والا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اور سرکار دے تمام ساتھی صحابہ کرام دے بارے ساڈا نظریہ عقیدہ درست اللہ پاک رکھے اللہ پاک سب روزی توفیق عطا فرمائے واسطہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔